चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। A long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter. The current necessary to produce a magnetic field of 20 milli tesla inside the solenoid will be approximately कितना होना चाहिए? देखो एक solenoid अगर आप बनाते हो तो solenoid के अंदर magnetic field center पे magnetic field कितनी होती है? जैसे P point है, ये end है, end पे ये Q point है, तो P पे magnetic field कितनी होती है? P point पे magnetic field होती है mu naught Ni, और एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है हाफ म्यू नॉट एन आई, ये होती है, करेक्ट है? इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, ठीक है, उस केस में तो इसको सेंटर पे मान लो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। अब क्वेश्चन में क्या क्या है? एन की वैल्यू दी हुई है, एन इज इक्वल टू कितना है? 20 टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2000 टर्न्स पर 1 मीटर होगा नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ले तो। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 20 मिली टेस्ला, यानी 20 × 10⁻³ टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई का इस्तेमाल अगर करें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 20 × 10⁻³, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4π × 10⁻⁷, एन की वैल्यू कितनी है? 2000 × I की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4π × 10⁻⁷ × 2000, करेक्ट है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, 20 × 10⁻³, ये कितना हो 10⁻⁷, 10⁻³ −4 +4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4π × 2, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए, 2 से ये 10 गया, ये 10⁻⁶100 आ गया, 100 बाई 4π कितना होगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 बाई 4π ऑलमोस्ट कितना आना चाहिए, 100 बाई 4π, 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 डिवाइडेड बाई 3.14, 7.96। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? करंट की वैल्यू आ रही है 7.96, तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 8 एम्पियर के इक्वल है ना, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।